हेलो जी, राम राम, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है निकांत तिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो ये देखिए, आज हम पहुँचे हैं कहाँ पे, हवाई अड्डा। जहाज़ में बैठ के हम पहली बार खाना खाएंगे। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मन था, तो इसलिए हम बच्चों को भी घुमाने लेके आए हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, हवाई अड्डा बना है अभी, लेटेस्ट ही न्यू ही खुला है, ये न्यू ओपनिंग हुई है। तो जिसको भी घूमने आना है अपनी फैमिली के साथ, बर्थडे वगैरह मनाना है, एनिवर्सरी मनाना है, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप आ सकते हो। खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो जैसे भी है, फैमिली के साथ आओ, कपल आओ, जो भी है, तो बहुत अच्छा सीन है। ये देख लो खुद ही, यहाँ पर रात को कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है, हर कोई अपना एंजॉय कर रहा है। तो अभी न्यू खुला है ना, तो इस वजह से तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा मन था, तो इस वजह से हम यहाँ पे अपना घूमने फिरने आए हैं। तो आप भी हमारे साथ घूम लो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना वीडियो में, ठीक है। तो आगे देखना, आप इंजॉय करना। ओके, नाची भी फोटो खींचे, चलो पे। और यहाँ पे बहुत भीड़ है, ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, देखो। और डीजे भी बज रहा है, ये तो रिस रहा है, पानी भी चला रहा है, इसको बताओ भीड़ मची हुई है। तो आ
आज हम आए हैं हवाई अड्डे मुरथल अड्डा, मतलब मुरथल के पास है ये हवाई अड्डा, अभी न्यू ही बना है और बहुत ही अच्छा है प्लेस, बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो पहली बार हमने जहाज़ में बैठ के खाना खाया है, बच्चों की ख्वाहिश थी कि यहाँ जहाज़ में बैठ के खाना खाना है, जहाज़ में बैठ के खाना खाना है, तो इसलिए बच्चों की भी ये विश पूरी हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूमने फिरने का, और DJ वगैरह ज़्यादा बज रहा था तो इस करके फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि गाने बज रहे हैं तो कॉपीराइट आएगा, तो इस वजह से फिर मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप सभी भी अपनी फैमिली के साथ आना यहाँ पे, बहुत इंजॉय करना, और बहुत ही अच्छा माहौल है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और खाने पीने की, ये देखो कितनी भीड़ है, लाइन लगी हुई थी, तो बैठने की भी जगह बहुत कम मिल रही थी यहाँ पे, तो ऐसे ही हो रहा था सब, है ना, अपना वेट कर रहे थे कि कब नंबर आएगा, तो हम भी अपना यहाँ पे वेटिंग में ही खड़े थे, तो जब नंबर आएगा तो तभी हम अंदर जाएंगे, तो इस करके महा चलो तब तक हम बाहर इंजॉय कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सही है, काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ पे, बच्चों का भी पूरा मन लग गया, तो ये तो अपना पूरी मस्ती कर रहे हैं, तो बच्चे जहाँ पे गाना वगैरह बज रहा हो वहाँ पे अपना तो पूरा एंजॉय करते ही हैं। तो ये है यहाँ पे एंट्री जहाज़ में, अंदर रेस्टोरेंट है, तो लाइन वगैरह लगी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे को तो बहुत और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सभी घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो तब तक हमने वेट किया, लेकिन ये था कि यहाँ ज़्यादा ही जल्दी ही नंबर आ गया था, इधर इतना ज़्यादा बैठ गया, हम बैठ चुके हैं, हमने खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया था अपना, तो तब तक खाना आएगा, तब तक अपने यहाँ पर इंजॉय करते हैं, अपना वीडियो वगैरह बनाते हैं, तब तक ये कौन सी है इसमें? तीन किया मेरे कैसे पूछो ना, Thank you.
पकड़ ले बेटा पकड़ ले, हाँ पकड़ ले। डरता नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है ये हवाई अड्डा, यहाँ पे ये मुरथल अड्डे के पास है, तो अभी अभी न्यू ही बना है, तो आप सभी भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है और खाना पीना भी सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो रात के समय तो और ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि दिन में तो धूप वगैरह हो जाती है और दिन में कम भीड़ मिलती है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो रात को अपना आना, बच्चों के साथ इंजॉय करना। तो मिलते हैं आगे, बाय बाय।